हेलो दोस्तों, केजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको प्रोनाउन और काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में पढ़ाएंगे। डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन। अ प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम, आई, मी, बी, अस, यू, ही, हिम, सी, हर, इट, दे, देम। सेकेंड पजेसिव प्रोनाउन, अधिकारवाचक सर्वनाम, माइन, अवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स। थर्ड डेमोनस्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम, दिस, दैट, दीज, दोज, सच, द सेम। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन्स, व्यष्टिवाचक सर्वनाम, ईच, आइदर, नाइदर। नेक्स्ट रेसिप्रोकल प्रोनाउन्स, पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम, जैसे ईच, अदर, वन, अनोदर। नेक्स्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम, माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ्स, वन सेल्फ्स। नेक्स्ट इम्फैटिक और इम्फेजाइनिंग प्रोनाउंस, दबाव सूचक सर्वनाम, माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ्स, वन सेल्फ का प्रयोग जब सब्जेक्ट को एम्फेसिस, दबाव ऑब्लिक जोर करने के लिए किया जाता है, तब ये एम्फैटिक और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस कहलाते हैं। अर्थात एम्फैटिक प्रोनाउन का प्रयोग सामान्यतः सब्जेक्ट के तुरंत बाद होता है, जैसे ही हिमसेल्फ कम्स हियर। नेक्स्ट है इंडेफिनेट प्रोनाउंस, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ऑल, सम, एनी, बोथ, एनोदर, मच, फ्यू, लिटिल। नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउंस, संबंधवाचक सर्वनाम, हु, होम, हुज, विच, दैट। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, प्रश्नवाचक सर्वनाम, हु, होम, हुज, विच, व्हाट, ये प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस, विस्मयादि बोधक सर्वनाम, व्हाट का प्रयोग जब सेंस ऑफ सरप्राइज, आश्चर्य के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है, तब वह एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहलाता है। धन्यवाद।